माय डियर फ्रेंड्स नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ की थर्ड पोएम हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड पोएम आपकी है कीपिंग क्वाइट। ये थर्ड पोएम आपकी पोएम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, शांति धारण करना। इसको लिखा किसने है भाई? पाब्लो नेरुदा ने इसको लिखा हुआ है, इस पोएम की रचना किया है। और ये पोएम बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है पोएम। इसको हमें इस प्रकार से लाइन बाय लाइन समझना है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको देखना है कि ये फर्स्ट लाइन हमारी क्या कह रही है। तो फर्स्ट लाइन हमारी कह रही है, नाउ वी विल काउंट टू ट्वेल्व, नाउ वी विल काउंट टू ट्वेल्व। ये देखेंगे आप यहाँ पर कि नाउ वी विल काउंट टू ट्वेल्व का मतलब होता है नाउ मीन्स अब हम बारह तक गिनेंगे। नाउ वी विल काउंट टू ट्वेल्व का मतलब अब हम बारह तक गिनेंगे, अर्थात गणना करेंगे वन से लेकर के ट्वेल्व तक। और आगे बताया जा रहा है, एंड वी विल आल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे। ध्यान देंगे माई फ्रेंड्स, कब कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू ट्वेल्व, अब हम बारह तक गिनेंगे। और दूसरी लाइन में बता रहा है कि एंड वी विल आल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। थर्ड लाइन में आप देखेंगे, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ मीन्स ये आपकी जो पृथ्वी है, जमीन है, फेस मीन्स चेहरा, ओवंस मीन्स एक बार। तो यहाँ पर इसका पूरा मतलब ये हुआ कि एक बार धरती के चेहरे, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब एक बार धरती के चेहरे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, अर्थात एक बार धरती के चेहरे पर आओ और किसी भी भाषा में ना बोलो। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज का मतलब और किसी भी भाषा में ना बोलो, किसी भी भाषा में कोई बात ना करो। लेट अस स्टॉप फॉर वन सेकंड, यहाँ का मतलब इसका तात्पर्य हुआ, लेट अस आओ हम एक सेकंड के लिए रुकें। लेट अस स्टॉप फॉर वन सेकंड का मतलब आइए हम एक सेकंड के लिए रुकें या रुकते हैं। एंड और नॉट मूव आवर आर्म सो मच, अपनी भुजाओं अर्थात शरीर के अंगों को इतना ज्यादा ना हिलाओ, अर्थात अपने शरीर के अंगों का मूवमेंट क्या करो, रोक दो। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, अर्थात अपनी भुजाओं अपने शरीर के अंगों को मत हिलाओ। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये अगली लाइन आपको जो बता रही है, इट वुड बी एन एग्जाइट, ध्यान देंगे, इट वुड बी एन एग्जॉटिक्स मोमेंट, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, इसका मतलब वह एक अनोखा क्षण होगा। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट का मतलब यह एक अनोखा क्षण होगा हमारे लिए, जिस आनंद को हम प्राप्त कर रहे होंगे ऐसी स्थिति में। विदाउट रस, विदाउट रस का मतलब बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, विदाउट इंजन का तात्पर्य है बिना इंजन अर्थात बिना मशीनरी के, शोरगुल के, हम वी वुड ऑल बी टूगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। वी विल ऑल बी टूगेदर का मतलब हम सभी एक साथ होंगे। पुनः इस लाइन को दोबारा देखें माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात ये अनोखा क्षण होगा हमारे लिए और बिना किसी भीड़ भाड़ के। विदाउट रस का मतलब बिना किसी भीड़ भाड़ के, और विदाउट इंजन का मतलब बिना इंजन, इंजन का मतलब होता है जो संयंत्र जो चल रहा होता है, हमारे शरीर के भीतरी अंग जो होते हैं, हमारे शरीर के जो बाह्य अंग होते हैं, इसको इंजन का प्रतीक माना गया है यहाँ पर। बिना इंजन के हम सभी एक साथ होंगे। बी वुड ऑल बी टूगेदर का मतलब हम सभी एक साथ होंगे, इसका मतलब हमारी एकाग्रता
कायम रहेगी। आगे देखेंगे, इन ए सडन, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे इस लाइन को, बी वुड ऑल बी टूगेदर, अर्थात हम सभी एक साथ होंगे, बी वुड ऑल बी टूगेदर, अर्थात हम सभी लोग क्या होंगे, एक साथ होंगे, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, इन ए सडन स्ट्रेंजनेस इसका मतलब होता है एक आकस्मिक विचित्रता में, अर्थात इस प्रकार की विचित्रता में हम क्या होंगे, अपने हम सभी लोग क्या होंगे, एक साथ होंगे। यहाँ पर तात्पर्य आगे आप देखेंगे, फिशरमैन इन दी कोल्ड सी, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा, तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी का मतलब ठंडे सागर में मछुआरे, फिशरमैन इन द कोल्ड सी का मतलब होता है ठंडे सागर में मछुआरे जो मछली पकड़ने वाले हैं, वुड नॉट हार्म होयल्स का मतलब वो मछुआरे जो हैं, होयल्स का मतलब होयल ए टाइप ऑफ फिश, तो होयल को जो है, होयल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वुड नॉट हार्म होयल्स। कभी कहता है कि जो मछुआरे हैं वो सागर के मछुआरे, अर्थात जो ठंडे सागर के जल में मछली पकड़ने के लिए गए हुए हैं, अर्थात ठंडे सागर में जो मछुआरे हैं वो होयल्स वुड नॉट हार्म, अर्थात होयल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, अर्थात उनको नुकसान नहीं कर पाएंगे। एंड और द मैन गैदरिंग साल्ट का मतलब जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहा है, गैदरिंग साल्ट का मतलब होता है नमक को इकट्ठा करना, यानी सागर के किनारे लोग क्या करते हैं, जो नमक इकट्ठा कर रहे होते हैं, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट का मतलब और जो व्यक्ति नमक को इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अर्थात वो अपने घायल हाथों को देख पाएगा, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स का मतलब होता है हर्ट हैंड का मतलब अपने घायल या चोटिल हाथों को क्या करेगा, देख पाएगा। पुनः इन लाइनों को एक बार दो पुनः देखें माय डियर फ्रेंड्स, कि व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, फिशरमैन अर्थात जो मछुआरे हैं वह व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे ठंडे सागर के जल में, अर्थात फिशरमैन इन द कोल्ड सी, अर्थात जो ठंडे सागर के जल में मछुआरे हैं वो होयल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, वुड नॉट हार्म होयल्स, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहा है, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, वह वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वह अपने घायल हाथों को देख पाएगा, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड का मतलब होता है वो अपने घायल हाथों को देख पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप आगे की लाइनों को देखेंगे, इस स्टेंजा के, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, दोज का मतलब होता है वो जो, दोज हु का मतलब वो जो, प्रिपेयर का मतलब तैयार होते हैं, ग्रीन वार्स का मतलब जो है हरित युद्ध की तैयारी, अर्थात वो जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, अर्थात जो हरित युद्ध की तैयारी कर में लगे हुए हैं या हरित युद्ध की जो तैयारी करते हैं, वार्स विथ गैस, वो युद्ध गैस के साथ करते हैं, अर्थात गैसीय युद्ध करते हैं, गैस से युद्ध करते हैं, वार्स विथ फायर, और जो अग्नि के साथ युद्ध करते हैं, अग्नि से युद्ध करते हैं, वार्स विथ फायर यहाँ बताया गया है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, अर्थात बिना
उत्तर जीवियों के, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवल्स का मतलब होता है बिना उत्तर जीवियों के, अर्थात बिना उत्तर जीवियों के विजय के, विक्ट्री का मतलब होता है विजय, अर्थात बिना उत्तर जीवियों के विजय को प्राप्त करना, जीत को हासिल करना। तो वो क्या करेंगे, वुड पुट, वो भी पहनेंगे क्या, आन क्लीन क्लाथ, क्लीन क्लाथ का मतलब स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, अर्थात युद्ध के रूप में जो गैसीय युद्ध है, युद्ध अग्नि की युद्ध है, उन युद्धों में बिना उत्तर जीवियों के वे विजय को प्राप्त करेंगे। वह भी क्या करेंगे, जो विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं वह भी स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, क्या पहनेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लाथ, क्लीन क्लाथ का मतलब होता है वह भी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे, अर्थात वो भी स्वच्छ कपड़ों को धारण करेंगे। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, एंड वॉक अबाउट विथ डियर ब्रदर्स, एंड वॉक अबाउट विथ डियर ब्रदर्स, एंड वॉक अबाउट विथ डियर ब्रदर का मतलब और वह अपने भाइयों, अनौपचारिक रूप से अपने भाइयों के साथ से भेंट कर सकेंगे, क्या कर पाएंगे, अनौपचारिक रूप से अपने भाइयों के साथ में क्या कर पाएंगे, भेंट कर पाएंगे। एंड दे वॉक अबाउट देयर विथ देयर ब्रदर्स, इसका तात्पर्य यह हुआ कि और वे भी अनौपचारिक रूप से अपने भाइयों के से क्या कर पाएंगे, भेंट कर सकेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, इन द शेड डूइंग नथिंग मतलब, और शेड मीन्स होता है छाया, और छाँव में, छाया में, डूइंग नथिंग का मतलब कुछ भी ना करते हुए, और छाया में कुछ भी ना करते हुए पर व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, व्हाट आई वांट, देखेंगे व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, अर्थात व्हाट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज का मतलब जो मैं चाहता हूँ उसमें भ्रमित हमें नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इन एक्टिविटी, विथ टोटल इन एक्टिविटी का मतलब होता है, एक्टिविटी का तात्पर्य होता है निष्क्रियता, अर्थात विथ टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, संपूर्ण अकर्मण्यता के साथ, निष्क्रिय हो जाने के साथ में। लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, वो इसी बारे में, लाइफ इज व्हाट का मतलब जीवन क्या है, इट इज अबाउट, वह इसी बारे में बताया गया है, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है कि हमें शांति धारण करना चाहिए। आई वांट का मतलब चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। नो ट्रक विथ डेथ, अर्थात मैं मृत्यु के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता हूँ। आई वांट नो ट्रक का होता है माय डियर फ्रेंड्स कि मैं चाहता हूँ बिना कोई समझौता के, विथ डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु के साथ, अर्थात मैं मृत्यु के साथ में कोई समझौता नहीं चाहता हूँ, इसका तात्पर्य ये हुआ। इफ़ बी बियर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का मतलब होता है एकाग्रचित होना, अर्थात यदि हम जीवन को गतिमान करने के लिए, इफ़ बी बियर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अर्थात यदि हम अपने जीवन को गतिशील बनाने के लिए एक निष्ठ नहीं होते हैं, नहीं हो पाते हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और फिर एक बार कुछ नहीं कर सकते थे, अर्थात हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक बार और कुछ नहीं कर सकते थे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अर्थात अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए फिर हम एक बार कुछ भी नहीं कर सकते थे। Perhaps का मतलब होता है शायद, ये ह्यूज साइलेंस,
ह्यूग, ह्यूग का मतलब होता है बड़ा, शायद एक बहुत बड़ा, परहैप्स ए ह्यूग साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ा मौन, साइलेंस का मतलब होता है मौन या शांति। माइंड इंटरप्ट दिस सैडनेस, अर्थात इस स्वयं को कभी भी ना समझ सकने वाली उदासी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इंटरप्ट का मतलब होता है अंडरस्टैंड कर पाना, तो माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, अर्थात जो ये उदासी है स्वयं को भी कभी ना समझ पा सकने वाली बात, जो उदासी होती है में बाधा डाल दे, अर्थात अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, उसमें बाधा डाल दे और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया डराया जा रहा है। यहाँ का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि शायद एक बहुत बड़ा मौन इस स्वयं को भी ना समझ सकने वाली उदासी में बाधा डाल दे और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया जा रहा है। इसका पूरा मतलब ये हुआ, आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। परहैप्स द अर्थ, परहैप्स, परहैप्स का मतलब शायद, द अर्थ शायद पृथ्वी, अर्थात ये जो धरती है, कैन टीच अस, कैन टीच अस का मतलब होता है हमें सिखा सकती है, एज व्हेन का मतलब क्योंकि, जब, एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज मृत्यु दिखाई दे, अर्थात मृत दिखाई देती है। पुनः देखेंगे, परहैप्स द अर्थ, शायद पृथ्वी या यह धरती, कैन टीच अस, हमें सिखा सकती है, एज व्हेन, क्योंकि जब, एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज मृत दिखाई देती है, मृत प्राय दिखाई देती है, एंड और लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, प्रूफ्स टू बी एलिव, बाद में क्या होता है जीवित साबित हो जाती है, जो धरती हमें मृत प्राय दिखाई पड़ती है वो प्राय हमको कैसे लगती है, सजीव अवस्था में लगती है, जो धरती पे जो चीज़ें प्रकृति के रूप में हैं, जो मृत प्राय दिखाई पड़ती हैं वो प्राय क्या दिखाई पड़ती हैं, पुनः जीवित दिखाई पड़ती हैं। नाव, नाव का मतलब अब, आई विल काउंट अप टू 12, अर्थात मैं 12 तक गिनूंगा, कभी कहता है नाव आई विल काउंट अप टू 12, अर्थात मैं अब 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, ध्यान देंगे, और एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहोगे, एंड यू कीप क्वाइट का मतलब और तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा, मैं यहां से अलग चला जाऊंगा, अर्थात चला जाऊंगा। यह भाव यहां पर स्पष्ट किया गया है, जो पृथ्वी पर निर्जीव अवस्था में वृक्ष आदि पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं वो पुनः सजीव अवस्था में हो उठते हैं, इस भाव को कभी नहीं इस स्टेंजा